हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी कोपू सॉलिड फूड खा रहा है। शाम का वक्त है, पापा आ गए हैं तो ऐसे बिठा के उसे खिलाते हैं। तो चलिए देखते हैं गोपू क्या खाता है। ये है गोपू का फूड, तो ये देती हूँ मैं। नेस्टम नेस्टम 2 है ये। इसमें राइस है और वेजिटेबल्स है, और फॉर्मूला में मैं ये देती हूँ डेक्सोलैक 2। ये ख़रीद के रखा हुआ है। चलिए दिखाती हूँ कैसे प्रिपेयर करती हूँ। ये सब पैकेट है, ओपन नहीं किया हुआ है, तो चलिए दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया है गोपू के लिए। ये देखिए, इसमें नेस्टम दी हूँ करीब 1.5 स्पून, और इसमें 3 स्पून मैंने डेक्सोलैक 2 मिक्स किया हूँ। तो दोनों को मिक्स करके ऐसे थिक कंसिस्टेंसी होता है, और उसको मैं ऐसे खिला देती हूँ, जो उसको बहुत ही टेस्टी लगता है। और इधर थोड़ा सा वाटर रखा है, इस स्पून से इसको मिक्स किया था, और ये स्पून से खिलाने से थोड़ा गोपू कंफर्टेबल है। सिलिकॉन का है ये, और ये पानी रखी हूँ, एक स्पून ये और एक स्पून ये पानी देती हूँ ताकि उससे खाने में आसानी हो। तो चलिए खिलाती हूँ गोपू को। गुप्पा, Have your my food? Tasty? Tasty? Papa? हालांकि अभी शाम का वक्त है, तो सुबह में गोपू अभी 1 मंथ का होने वाला है, तो उसको सुबह में हम लोग फ्रूट देते हैं, बनाना देती हूँ, और मैस्ट बॉयल किया हुआ मैस्ट एप्पल कभी कभी देती हूँ, और फिर वो फॉर्मूला खाता है। उसके बाद दोपहर में राइस खाता है वेजिटेबल्स डाल के। टेस्टी बब्बा, टेस्टी। वाटर बब्बा, वाटर। देखिए वो एंजॉय करता है उसका फूड, और यही हम लोग देते हैं। अच्छा ग्रोथ होता है बेबी का, हेल्दी रहता है, पेट वगैरह खराब नहीं होता। तो बस यही था आज का ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। Bye-bye. See you in our next videos.